हिंद वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने जनमानस क्लासेज में। आपको महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पेपर में बने हैं या बन सकते हैं, उन सबको इस वीडियो पर शामिल करने प्रयास किया गया है। प्यारे साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसका आपको बहुत ही बेहतरीन फायदा मिलने वाला है। चलते हैं, आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा पहले जान लेते, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। देखिए, कुछ क्या, लगभग 100+ क्वेश्चन आंसर है, लगभग 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इसमें। बस बने रहे जो गांधी जी से रिलेटेड है। देखिए, कहा गया महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1969 को कहाँ पर हुआ था, तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उठाने के कारण उनके महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। एक आप भी जानते हैं कि लास्ट तक कौंटिका तो महात्मा गांधी जी उन्हीं के नेतृत्व में ही जो है देश को आज़ादी। उनका पूरा नाम क्या था, तो मोहनदास करमचंद गांधी था। आप चलते हैं, इससे संबंधित जो जितने भी क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं प्यारे साथियों, उसको देख लेते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपके दिख रहा है सामने, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था, तो हरिजन संघ की स्थापना आप बताएंगे महात्मा गांधी ने किया था। और वही देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ, तो आप बताएंगे 1942 में पारित हुआ था। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान का विभाजन, अभी देखिए गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ढेर सारे मिलेंगे, तो आप बताओगे माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। माउंटबेटन कौन थे, तो माउंटबेटन जो है उस समय जो है भारत के जो है गवर्नर जनरल बन के आए थे। जय हिंद का नारा किसने दिया, तो जय हिंद का नारा आप बताएंगे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जय हिंद का नारा। वहीं महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की विवाह बंधन कब हुआ, तो आप बताएंगे 1983 में इनका विवाह। अभी अफ्रीका कब गए थे, सब चीज़ें की बात करेंगे, परेशान ना होना। केन्या की गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, केन्या की गांधी के रूप में जोमो केन्योटा को केन्या गांधी के रूप में जाना जाता है। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था, अर्धनंगा यानी, तो बताओ कि विंस्टन चर्चिल ने जो है इनको अंधनंगा फकीर कहा था। जबकि करो और मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी टू आर डाई ने जो का नारा किसने दिया, तो बताओ कि महात्मा गांधी ने ही दिया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई, तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। जबकि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई, नहीं दोनों की बात एक ही हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, वो आप जानते हैं किसके द्वारा की गई, तो आप बताओगे नाथूराम गोडसे के द्वारा की। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे, राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण पटेल थे। गांधी जी ने पहली बार जेल कब गए थे, तो बताओ 1908 में कब गए थे, कहाँ से गए थे, तो बताओ दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ पर भी सत्याग्रह किया था, इसी वजह जेल गए थे। गांधी जी की आत्मकथा क्या नाम है, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है गांधी जी की आत्मकथा का। जबकि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता, तो सीमांत गांधी के नाम से किसे आप बताओगे, खान अब्दुल गफ्फार खान को। और इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था, किसने, तो आप बताओगे सीमांत गांधी जी ने। क्वेश्चन है, गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट, फिनिक्स आश्रम कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो आप बताओ डरबन दक्षिण अफ्रीका में किया था। क्वेश्चन है, द वर्ड ऑफ गांधी नामक पुस्तक, देखिए वर्ड ऑफ गांधी नामक क्वेश्चन की क्वेश्चन में आया हो तो इसको आपको ध्यान रखना, किसने लिखा था, महात्मा गांधी ने। और सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी की क्या थी, आत्मकथा थी। क्वेश्चन है, तीनों गोल में सम्मेलनों में कौन भाग लिया था, तो आप बताओगे बी आर अम्बेडकर क्या थे, तीनों गोल में हम सम्मेलन में भाग लेते हैं, लेकिन गांधी जी दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेते हैं। एक चीज़ आपको याद करके रखना है। चलते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष तक रहे, तो 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। इंडोनेशिया के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, तो बताओ अहमद सुकर्णो को इंडोनेशिया का गांधी के रूप में जाना जाता है। मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र का संकल्पना कब प्रस्तुत किया, तो 1940 में पृथक राष्ट्र की संकल्पना प्रस्तुत किया था। चलते हैं, गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका भारत कब लौटे, तो 9 जनवरी इसी दिन जो है प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन पत्रिका कब 1933 में शुरू किया था। इंडिया डिवाइडर नामक पुस्तक किसने लिखी, तो आप बताओगे इंडिया डिवाइडर नामक पुस्तक आप बताएंगे राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था। जबकि करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा किसने दिया, तो बताओगे कब दिया गया था, तो बताओ भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया गया था। किसने दिया था, तो बताओगे महात्मा गांधी ने। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा डलहौजी ने। गोद प्रथा पर इन्हें हड़प नीति लाया था, ये
चलते हैं। कांग्रेस ने 1929 के अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज को घोषित किया था, तो लाहौर अधिवेशन रावी नदी किनारे जो है किसने घोषित किया था तो आप बताओगे, जवाहरलाल नेहरू ने। दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया, तो 12 मार्च 1929 में नमक कानून का उल्लंघन किया था। महात्मा गांधी अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना शुरुआत कब की, तो 1932 में किया था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु, वैसे यहाँ पर आध्यात्मिक गुरु कौन थे तो आप बताओगे, हाँ ठीक है, आध्यात्मिक गुरु कौन थे तो आप बताओगे लियो टॉलस्टॉय थे, लेकिन राजनीतिक गुरु कौन थे तो आप बताओगे गोपाल कृष्ण गोखले थे। दोनों चीज़ों को आप देखिए, गांधी जी के परिचय से संबंधित वीडियो चैनल पर पहले अपलोड है तो उसको चैनल पर विजिट करके जरूर देखें। अब और भी क्वेश्चन इसके संबंधित आ रहे हैं, उसको भी ध्यानपूर्वक ही देखना है आपको। क्वेश्चन है, गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया, तो आप बताओगे आत्मकथा क्या था, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, किससे संबंधित, महात्मा गांधी से। इंग्लिश में अनुवाद महादेव देसाई जी ने किया था। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस जो है कौन से दल की स्थापना किया था, लेकिन महात्मा गांधी जब 1924 में बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्षता किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने एक बार केवल कांग्रेस का अधिवेशन किया था, बस आपको याद करके रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह का मुख्य मांग क्या था, नई बड़ी लगन को क्या करना था, वापस लेना था। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था, तो गोपाल कृष्ण गोखले, जबकि आध्यात्मिक गुरु कौन थे तो आप बताओगे लियो टॉलस्टॉय थे। गांधी जी की आत्मकथा का प्रथम बार प्रकाशित कब हुआ, तो 1927 में। देखिए कि क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, बस पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक दो तीन बार कोई भी परीक्षा हो, गांधी जी से क्वेश्चन तो अक्सर पूछे जाते हैं। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया था, तो सितंबर 1906 में किया था। चलते हैं, गांधी जी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, तो एक ही बार बने, बेलगांव अधिवेशन में बने थे। बेलगांव कहाँ, तो बताओ कर्नाटक में है। और ये देखिए, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह 1906 में कहाँ, तो आप बताओगे अफ्रीका में किया था। गांधी जी का वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो 1893 में गए थे। जबकि किस गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया, तो आप बताएं द्वितीय गोलमेल सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। कानून काला कानून किसे कहा, तो रिलैक्ट एक्ट को जो है काला कानून कहा था, किसने, तो गांधी जी ने कहा था। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी, तो आप बताओगे उधम सिंह ने किया था। कहाँ पर, ब्रिटेन में जाके किया था, लंदन में। महात्मा गांधी के सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका भारत कब लौटे, तो 1915 में लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए उस दिन जो है प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। काकोरी ट्रेन डकैती का नायक कौन था, तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। वर्ष 1947 के बाद राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया, तो हैदराबाद को जो मिलाया गया सैनिक कार्रवाई के द्वारा, ऑपरेशन पोलो के तहत। गांधी जी आन वायलेंस पुस्तक किसने लिखा, थॉमस मर्टन ने लिखा था। देखिए कितने जबरदस्त क्वेश्चन इसमें है। गांधी जी की मृत्यु किसने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मेरे जीवन से प्रकाश चला गया। वह कौन सा गोलमेज सम्मेलन है, 1935 में हो, तो तीसरा 1935 में, 1931 में दूसरा हुआ था। महात्मा गांधी सत्याग्रह का क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ पर प्रयोग किया था, तो चंपारण में किया था। चंपारण कब हुआ तो बताओगे 1917 में हुआ था। और आपको बता दूं इनको किसने आमंत्रित किया था, रामचंद्र शुक्ल ने आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी का महात्मा किसने कहा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस किसने कहा, तो आप बताओ सुभाष चंद्र बोस को कहा था देशभक्त कहा था। देखिए याद करें, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था, तो देशभक्त कहा था। श्रीलंका के गांधी जी के रूप में जाना जाता है, तो आप बताओगे एटी एरिया टने को कहा जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, आत्मकथा किस भाषा में लिखी, देखिए गुजराती भाषा में लिखा था। एक एक क्वेश्चन देखिए, सब कुछ डिस्क्रिप्शन की आपको जरूरत नहीं, सब क्वेश्चन आंसर के रूप में शामिल कर लिया मैंने। नेक्स्ट, गांधी जी के साप्ताहिक नवजीवन यंग इंडिया कब जो है प्रकाशित हुआ, तो 1919 में। क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेट चेक गांधी जी ने कहा था, और ये कब आया था, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा आप बताएंगे किसने दिया था, हसरत मोहानी ने इसका नारा दिया था। जबकि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, तो सी राजगोपालाचारी बने थे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट, लियो टॉलस्टॉय फॉर्म दक्षिण अफ्रीका में कब शुरू किया, तो बताओ 1910 में शुरू किया गया था। गांधी जी का पहला अनशन भारत में, गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ, तो कह सकते हो अहमदाबाद में हुआ था।
क्वेश्चन है, बाबा आमटे का अभय सदक का खिताब किसने दिया था, किसे दिया था? तो बताओ महात्मा गांधी को दिया गया था। बाबा आमटे का अभय सदक का खिताब किसने दिया था? तो आप बताओगे महात्मा गांधी ने दिया था। बाबा आमटे को अभय सदक कहा था इन्होंने। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर, तो आप बताओ गोरखपुर में है। गांधी जी ने हिंदू स्वराज का प्रसाद प्रकाशित किया था 1900 आप बताओगे 8 में जो है प्रकाशित किया गया था। देखिए नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण की पार्टी सोशलिस्ट से जुड़े थे, तो बताओ सोशलिस्ट से जुड़े हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट, देखें देखिए 65वें क्वेश्चन पे हम आ गए हैं प्यारे साथियों। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था, अब बताओगे विभाजन कब हुआ? तो यहाँ पर होना चाहिए सूरत अधिवेशन में हुआ था। दूसरा अधिवेशन कब हुआ तो बताओगे 1918 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किससे संबंधित, तो बताओ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। द लाइफ ऑफ द महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइफ ऑफ महात्मा बताओ लुई फिशर हैं। महात्मा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किसके संबंधित था, तो बताओगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। आधुनिक गांधी के रूप में किसे, तो बाबा आमटे को आधुनिक गांधी के रूप में जाना जाता है। वर्मी गांधी के रूप में किसे, तो जनरल आंग सान को कहा जाता है। आप चलते हैं कुछ रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों। कुछ रिवीजन क्वेश्चन के रूप में देख लेते हैं, महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर को। जबकि महात्मा गांधी का पूरा नाम आप सभी लोग जानते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। जबकि साबरमती का आश्रम कहाँ पर है, तो अहमदाबाद में, और 1917 में स्थापित किया गया। पहले 1915 में जो है कोचरो में स्थापित हुआ था, लेकिन बाद में उसका नाम सत्याग्रह आश्रम था। बाद में उसी का नाम जो है, जब साबरमती आश्रम नदी के किनारे हुआ तो उसका नाम साबरमती आश्रम कर दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आप बताओ गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी से अफ्रीका कब लौटे, तो अफ्रीका से भारत कब लौटे 1915 में 9 जनवरी। गांधी जी का भारत का सर्वप्रथम आंदोलन कौन था, तो चंपारण आंदोलन था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। देखिए रिविजनल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ, तो 1921 में महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, तो बताओ 1924 में बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में बने थे। किस आंदोलन में समय मेरे जीवन का अंतिम संघर्ष होगा, आंदोलनकारियों को करो अमरो का नारा दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में कहा था। मेरे जीवन का अंतिम संघर्ष होगा ये भारत छोड़ो आंदोलन। 1915 में महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की उपाधि केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। महात्मा गांधी डांडी मार्च संबंधित थे, तो बताओ नमक सत्याग्रह आंदोलन संबंधित था डांडी मार्च। अब चलते हैं नेक्स्ट, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था, अर्धनंगा फकीर कहा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था, रिक्रूटमेंट सार्जेंट कहा था, भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया था। महात्मा गांधी सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता को संबोधित करके पुकारा था, तो बताओगे सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में किया था सत्याग्रह का प्रयोग। महात्मा गांधी सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर किया था, सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर, तो चंपारण में किया था भारत में। गांधी जी का सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या था, तो अहिंसा था। महात्मा गांधी सर्वप्रथम किस आंदोलन में भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया, तो अहमदाबाद मिल आंदोलन में जो है सबसे पहले उन्होंने भूख हड़ताल को जो है अस्त्र के रूप में जो है अपनाया था। चलते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी कैद करके कहाँ रखा गया था, तो आगा का पैलेस में इनको रखा गया था। चलते हैं, अभी आपने क्वेश्चन आंसर देखा है, उसी का रिविजन चल रहा है। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किया था, यंग इंडिया तथा हरिजन पंथ के संस्थापक संपादक कौन थे, तो महात्मा गांधी। हिंदू स्वराज माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किससे संबंधित, तो महात्मा गांधी से संबंधित है। पूरा वीडियो देखिएगा, आप ये ना सोचिए कि उधर देख रहे तो उधर ना देखें, इस साइड को। महात्मा गांधी समाधि स्थल नई दिल्ली के राजघाट में 2 शब्द का उत्तान है, तो बताओगे हे राम लिखा हुआ है वहाँ पर। सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है, इसके अनमोल वचन है, तो गांधी जी के सत्य और अहिंसा मेरे जो है ईश्वर है। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने, तो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, महादेव देसाई के हस्तांतर के बाद गांधी जी का सचिव कौन बन गया, तो बताओ प्यारे लाल बन गए थे। गांधी जी के अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था, मेडलिन स्लेट था, मीरा बहन का नाम अनुयायी थी उनकी। किसने गांधी जी ने दांडी मार्च की तुलना
श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। गांधी जी की आत्मकथा इंग्लिश में अनुवाद किसने किया तो महादेव देश देवा देश जी ने किया था। प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सत्र में। जय हिंद जय भारत।